आगे बढ़ते हैं और अब हम देखने जा रहे हैं सुपर पोजिशन थ्योरम। सुपर पोजिशन थ्योरम क्या कह रहा है? दिस थ्योरम इज यूजफुल एज इट्स एक्सटेंड द यूज ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का अगला पार्ट सुपर पोजिशन थ्योरम है जो इस ओम्स लॉ को आगे बढ़ा रहा है। दैट हैव मोर देन वन सोर्स, अगर एक से अधिक सोर्स हो तो हम सुपर पोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ ईच सोर्स एट ए टाइम एंड देन सुपर इम्पोज रिजल्ट ऑफ ऑल द अदर सोर्सेज। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले एक सोर्स को कंसिडर कर रहे हैं, दूसरे सोर्स को नहीं, और उस सोर्स का असर देख रहे हैं, इफेक्ट देख रहे हैं जो भी मेरे एलिमेंट्स लगे हुए हैं सर्किट एलिमेंट्स में क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या है, इन ए नेटवर्क विथ टू और मोर सोर्सेज द करंट और वोल्टेज फॉर एनी कंपोनेंट इज एलजेब्रिक सम ऑफ द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ईच सोर्स एक्टिंग सेपरेटली। अलग अलग जो असर एक सोर्स का हो रहा है उन दोनों का एलजेब्रिक सम उन दोनों सोर्स का असर दिखाएगा, इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब स्टेप क्या है। पहले सबसे पहले पहला स्टेप है प्रोसीजर टू एनालाइज ए नेटवर्क यूजिंग सुपर पोजिशन थ्योरम। अब इस वाले सर्किट में मुझे दिख रहे हैं रेजिस्टेंस R1 लगा है, रेजिस्टेंस R2 लगा है, रेजिस्टेंस R3 और दो वोल्टेज सोर्स लगे हैं 28 वोल्ट का और 7 वोल्ट का। ठीक है, अगेन जो बड़ी डंडी है बैटरी सोर्स की ये पॉजिटिव को सिग्निफाई कर रही है, छोटी डंडी नेगेटिव को। ठीक है, तो R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस लगे हैं, दो वोल्टेज सोर्स लगे हैं जो कि साधारण ओम के नियम के अनुसार बनाने में हमें दिक्कत होती है, तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए सुपर पोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है जब एक से अधिक सोर्स लगे हों तो। ठीक है, अब दूसरा पहला स्टेप है रिप्लेस ऑल द पावर सोर्सेस एक्सेप्ट फॉर वन, एक पावर सोर्स को छोड़कर दूसरे को रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करना है, व्हेन रिप्लेसिंग द पावर सप्लाईज इन द सर्किट वी मस्ट फॉलो दीज टू रूल्स। रूल्स क्या है, पहला रूल रिप्लेस ऑल वोल्टेज सोर्स विथ ए शॉर्ट सर्किट दैट मीन्स ए वायर कनेक्शन। ठीक है, रिप्लेस ऑल करंट सोर्स विथ ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब हमें ओपन कर देना है, ब्रेक कर देना है वहाँ पर जहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था। ठीक है, करंट सोर्स लगा हुआ था। ठीक है, वोल्टेज सोर्स को हमें क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। शॉर्ट सर्किट मतलब सिंपल ऐसे जोड़ देना है जहाँ पर मेरा बैटरी सोर्स था वोल्टेज का, और जहाँ करंट सोर्स है वहाँ पर ओपन सर्किट कर देना है, मतलब ऐसा ओपन कर देना है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, इसको बोलते हैं हम ओपन सर्किट। ठीक, सिंस वी ओनली हैव वोल्टेज सोर्सेस इन आवर एग्जांपल सर्किट, एग्जांपल सर्किट कौन सा है, ये वाला एग्जांपल सर्किट है, इसमें R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस लगे हैं, दो वोल्टेज सोर्स लगा है। तो इस वाले सोर्स में क्या कर रहे हैं हम, वी विल रिप्लेस एवरी इनएक्टिव सोर्स ड्यूरिंग एनालिसिस विद ए शॉर्ट सर्किट वायर। अब यहाँ पर जो मेरा B1 लगा हुआ था वहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपल एक शॉर्ट सर्किट कर दिया है। ठीक है, वी हैव रिप्लेस द बैटरी B2 विथ ए शॉर्ट सर्किट, तो B2 बैटरी को मैंने रिप्लेस कर दिया है एक शॉर्ट सर्किट से और सिर्फ एक बैटरी सोर्स को लगे रहने दिया। कैलकुलेट द वोल्टेज एंड करंट ड्यू टू ईच इंडिविजुअल सोर्स, दूसरा स्टेप क्या है, कैलकुलेट द वोल्टेजेस एंड करंट्स ड्यू टू ईच इंडिविजुअल सोर्स। एनालाइजिंग द सर्किट इन फिगर 2 विथ ओनली 28 वोल्ट सोर्स वी ऑब्टेन द वैल्यूज फॉर ईच रजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप एंड रजिस्टर करंट। ठीक है, अब इस वाले सर्किट में ये सोल्यूशन दिया हुआ है, सोल्यूशन को अपन इग्नोर कर रहे हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर देख रहे हैं रेजिस्टेंस R3, R1, R2 ये तीन रेजिस्टेंस लगे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 1, ये 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है और ये 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, सिंपल है, एक सोर्स लगा हुआ है 28 वोल्ट का, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है 4 ओम्स का, यहाँ पर एक अगेन रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा है,
इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 4 ओम्स, फिर इसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो आप सबसे पहले ये 2 ओम्स का रेजिस्टेंस और ये 1 ओम्स का रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है, 2 ओम्स का रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ 1 ओम्स रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 × 1 / 2 + 1, दैट मीन्स 2/3 ओम्स, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस करें 2/3 और ये 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है, 28 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ठीक। अभी दोनों सीरीज में है, यहां पर रेजिस्टेंस क्या थे, ये पैरेलल थे, यहां पर सीरीज में आ गए, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होगा, एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो एक सिंगल रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का होगा, 4 + 2/3, दैट मीन्स 14/3 ओम्स का रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर 28 वोल्ट का सोर्स है, तो करंट कितना होगा, I = V/R, तो V कितना है, 28 वोल्ट और रेजिस्टेंस 14/3, दैट मीन्स 2 × 3 = 6 एम्पियर, ठीक। तो ये 6 एम्पियर का करंट होगा, ठीक है, 6 एम्पियर का करंट है, 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 4 × 6 = 24 वोल्ट, ठीक है। करंट यहां से एंटर कर रहा है, इसलिए प्लस का साइन है और इधर माइनस का साइन। अब ये 6 एम्पियर का करंट इन दो जगह पर, इन दो रेजिस्टेंसों पर जा रहा है, ठीक है। तो 6 एम्पियर का रेजिस्टेंस है, 6 एम्पियर का रेजिस्टेंस है, अब इसमें मुझे करंट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 × 1 अपोजिट रेजिस्टेंस में देखूंगा जो कि 1 ओम्स का है, 4 + 2 + 1 = 3, 2 एम्पियर का करंट, ठीक है। तो यहां पर ये 2 एम्पियर का करंट कहां बह रहा है, 2 ओम्स के रेजिस्टेंस पर, ठीक है। इसी तरीके से 1 ओम्स के रेजिस्टेंस पे करंट मैं निकालूंगा, 1 ओम्स के रेजिस्टेंस पर, तो टोटल करंट कितना है, 6, अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम्स और टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम्स, ठीक है, 2 + 1, ये हो गया 4 एम्पियर, ये 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब 4 ओम्स एम्पियर का करंट है, 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज ड्रॉप अगेन 4 वोल्ट, और यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज ड्रॉप 4 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर पोलैरिटी मुझे ध्यान देना है, वोल्टेज के फेस में जहाँ से करंट एंटर कर रहा है वहाँ पर मैं पॉजिटिव लूँगा, और जहाँ से करंट बाहर निकल रहा है उस रेजिस्टेंस से वहाँ पर मैं नेगेटिव पोलैरिटी लूँगा, जो कि उस रेजिस्टेंस पे होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को बता रहा है, ठीक है। तो एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से मैंने करंट निकाल लिए और वोल्टेज ड्रॉप्स निकाल लिए, अब क्वेश्चन करंट का है चाहे वोल्टेज ड्रॉप का है, दोनों के लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है। अब आगे दूसरे स्टेप के बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा स्टेप क्या है, रिपीट स्टेप 1 और 2 फॉर ईच पावर सप्लाई, नेक्स्ट वी विल रिपीट दिस प्रोसेस फॉर द सर्किट विथ ओनली 7 वोल्ट बैटरी। अब यहाँ पर जो मेरा B1 सोर्स था उसको मैंने क्या कर दिया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया है, ठीक है। अब इस शॉर्ट सर्किट कर दिया है, अब इसके बाद इसी तरीके से फिर से मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो 7 वोल्ट का बैटरी सोर्स है, इसके साथ में यहाँ पर एक ओम्स का रेजिस्टेंस है, फिर इसके पैरेलल में 1-2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है मेरा, और ये 4 ओम्स का है,
ये 7 वोल्ट का बैटरी सोर्स लगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 ओम्स का रेजिस्टेंस और 4 ओम्स का रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 2 ओम्स का रेजिस्टेंस एंड पैरेलल विथ 4 ओम्स का रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा, 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 दैट इज 8 अपॉन 6। तो मेरा सर्किट कैसे रिड्यूस हो जाएगा, 1 ओम्स का रेजिस्टेंस और ये सिंगल रेजिस्टेंस 8 अपॉन 6, यहाँ पर सोर्स क्या है 7 वोल्ट, ठीक है। अगेन अभी दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए हैं, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होंगे, ऐड होंगे, 1 प्लस 8 अपॉन 6 दैट इज 14 अपॉन 6 ओम्स का टोटल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर, तो I की वैल्यू कितनी आएगी मुझे, V अपॉन R, V है मेरा 7, डिवाइडेड बाय 14 अपॉन 6, 7 अपॉन 14 इंटू 6, 7 टू जा 2, 3 जा 3 एम्पियर, ठीक है। तो अब ये 3 एम्पियर करंट ये मुझे दिख रहा है, ठीक। अब एक ओम्स का रेजिस्टेंस था तो 3 इंटू 1 3 वोल्ट हो गया, ये प्लस इधर और माइनस इधर, ठीक है। अब ये 3 एम्पियर करंट हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो मैं अब R2 पर निकालना चाह रहा हूँ, तो 3 एम्पियर्स का करंट टोटल है, फिर अपोजिट रेजिस्टेंस मेरा कितना है 4 ओम्स का है, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, ये 2 एम्पियर्स का करंट फ्लो हो रहा है। अगेन ये 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है तो 4 वोल्ट कैसे आया, 2 इंटू 2 4 वोल्ट, ठीक। अब R2 के अक्रॉस निकल गया, अब IR1 के अक्रॉस निकालना है, तो टोटल करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल करंट मेरा कितना था 3 एम्पियर, इसके अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है 2 ओम्स का, और 2 प्लस 4 अगेन 6 अपॉन 6 दैट इज 1 एम्पियर, ठीक। ये 1 एम्पियर आ गया, ठीक। 1 एम्पियर करंट, 4 ओम्स का रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप 4 वोल्ट। अब यहाँ पर पोलैरिटी चूंकि इस B2 सोर्स को ले रहा है, तो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, इधर भी करंट इधर एंटर कर रहा है, जो कि एरो से दिख रहा है, ठीक है। तो पोलैरिटी प्लस और फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक। तो अब दूसरे वोल्टेज सोर्स के कारण मुझे ये 3 एम्पियर 1 एम्पियर और 2 एम्पियर का करंट मिला, 3 वोल्ट 4 वोल्ट एंड 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप मिला, ठीक है। अब इसके पहले वाले भी देख लें अपन, तो यहाँ पर 4 वोल्ट मिल रहा था, यहाँ 24, यहाँ पर 4 वोल्ट, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो मुझे, ठीक है, अब यहाँ पर R1 पर जो वोल्टेज ड्रॉप मुझे मिल रहा था वो कितना था, देखिए पहले 24 वोल्ट प्लस और माइनस साइन के साथ में, यहाँ पर मुझे मिला था प्लस माइनस 24 वोल्ट। दूसरे वाले बैटरी सोर्स को लिया था मैं, मुझे माइनस एंड प्लस 4 वोल्ट, ठीक है। ये मुझे कैसे मिला था, ये मुझे मिला था 7 वोल्ट के सोर्स पे और ये मुझे मिला था 28 वोल्ट के सोर्स से, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है प्लस माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पर 24 माइनस 4 इक्वल्स टू 20 वोल्ट इस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप का मान आया, ठीक है। पोलैरिटी हायर वाले की रहेगी, तो 24 वोल्ट की जो पोलैरिटी मुझे मिली थी वही सेम पोलैरिटी यहाँ पर मिल रही। अब इसी तरीके से मैं R3 पे देखता हूँ, R3 पर वोल्टेज ड्रॉप मुझे मिला था माइनस 3 वोल्ट, और यहाँ पर मिला था प्लस 4 वोल्ट, ठीक है। अगेन
ये मुझे मिला है 28 वोल्ट को जब मैं कंसिडर किया था, और ये मिला है जब मैं 7 वोल्ट को कंसिडर किया। तो वोल्टेज पोलैरिटी अगेन वाई 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 वोल्ट मुझे मिलेगी, और पोलैरिटी अगेन हायर साइड की रहेगी। उसी तरीके से मैं R2 की निकाल लूँगा। अब करंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले R1 पर करंट देखें। R1 पर करंट मुझे इस डायरेक्शन में मिला, लेफ्ट टू राइट 6 एम्पीयर करंट मिला, और दूसरे केस में मुझे 1 एम्पीयर करंट राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर 6 एम्पीयर मुझे इस डायरेक्शन में मिल रहा है और 1 एम्पीयर इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मेरा टोटल करंट क्या होगा, 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5 एम्पीयर। ठीक, डायरेक्शन कौन सा रहेगा, जो 6 एम्पीयर का करंट का डायरेक्शन था। इसी तरीके से मैं R2 और R3 के करंट को भी निकाल लूँगा। ठीक है, तो स्टेप 4 में सुपर इम्पोज द इंडिविजुअल वोल्टेज एंड करंट। When superimposing these values of voltage and current, we must be careful to consider the polarity of voltage drop and the direction of current flow. ये important है, ठीक है? Polarity, voltage की polarity और current की polarity direction मुझे ध्यान देना आवश्यक है जब मैं algebraically उन्हें add करूँगा। ठीक है, अब ये voltage drop के लिए है और resistance current के लिए ये, ठीक है? ठीक, इससे सुपर पोजिशन थ्योरम से समझ में आ रहा है कि एक वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करके मुझे वोल्टेज या करंट निकालना है या दोनों निकालना है, और दूसरे वोल्टेज सोर्स से मुझे करंट और वोल्टेज निकालना है, फिर दोनों का एल्जेब्रिक सम निकालते समय मुझे वोल्टेज की पोलैरिटी और करंट का डायरेक्शन ध्यान देना है। वोल्टेज की पोलैरिटी कंसिडर, जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ दिखाया, ये 24 वोल्ट है, माइनस 4 वोल्ट है, 7 वोल्ट के सोर्स से मुझे 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा था रेजिस्टेंस R1 पे, और 24 वोल्ट मुझे मिल रहा है जब मैं 28 वोल्ट को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 24 वोल्ट की पोलैरिटी 7 वोल्ट के वोल्टेज पोलैरिटी से अधिक है, इसलिए 24 माइनस 4 वोल्ट किया तो मुझे 20 वोल्ट मिल रहा है। अब पोलैरिटी जो मेजॉरिटी का है, प्लस माइनस साइन, वही साइन के साथ में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से करंट जब मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो जब 28 वोल्ट्स को मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो 28 वोल्ट्स में मुझे 6 एम्पीयर करंट मिल रहा है, और 1 एम्पीयर करंट मुझे जब मैं B2 सोर्स को कंसिडर कर रहा हूँ तब मिल रहा है। दोनों करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैं अगेन सब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 6 माइनस 1 5 एम्पीयर मुझे मिल रहा है, और करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट जो कि 6 एम्पीयर का डायरेक्शन था। अगर दोनों की पोलैरिटी सेम रहती, मान लीजिए प्लस 24 वोल्ट मुझे मिल रहा है एक सोर्स से, और दूसरे सोर्स से मुझे मिल रहा है अगेन प्लस 10 वोल्ट, प्लस माइनस ऐसे मिल रहा है, तो दोनों की पोलैरिटी सेम है, तो रिजल्टेंट मेरा क्या होगा, दोनों एड अप हो जाएंगे, 24 प्लस 10 34 वोल्ट, एंड पोलैरिटी क्या रहेगी, लेफ्ट में प्लस और राइट में माइनस। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं करंट को देख रहा हूँ तो करंट की पोलैरिटी अगर सेम डायरेक्शन में है, 6 एम्पीयर मुझे इधर मिल रहा है इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट, और अगेन मुझे मिल रहा है 3 एम्पीयर लेफ्ट टू राइट, तो अब दोनों ही केस में डायरेक्शन एक ही है, इसलिए दोनों एड अप हो जाएंगे और इक्विवेलेंट मुझे क्या मिलेगा, 9 एम्पीयर। करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट ही रहेगा। ठीक है, अगर पोलैरिटी अलग है तो मुझे माइनस करना है, और जो मैक्सिमम पोलैरिटी वाला है उस चिन्ह को इस्तेमाल करना है, उस साइन को इस्तेमाल करना है वोल्टेज ड्रॉप के लिए। करंट का डायरेक्शन जो मेजर करंट रहेगा उसके डायरेक्शन पे ही मेरा करंट का डायरेक्शन फाइनल होगा। ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मुझे एड अप करना है, अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मुझे सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक, यहाँ तक मेरी समस्या क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द सुपरपोजिशन थ्योरम वर्क्स ओनली फॉर सर्किट्स दैट आर रिड्यूसिबल टू सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर ईच पावर सोर्स इवैल्यूएटेड इंडिविजुअली। यहां पर मुझे केवीएल केसीएल नहीं लगाना है, मुझे सिंपल ओम के नियम के अनुसार ही बनाना है, यह ध्यान में रखना है, केवीएल केसीएल नहीं लगाना है। ठीक है, therefore for example it is useless for analyzing an unbalanced
ब्रिज सर्किट, ब्रिज सर्किट को हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिड्यूसिबल नहीं होगा, ठीक है। अदर प्री रिक्वेस्ट फॉर द सुपरपोजिशन थ्योरम इज दैट ऑल कंपोनेंट्स मस्ट बी बाइलेटरल। बाइलेटरल से मेरा मतलब है रेजिस्टेंस, जैसे कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर कोई बाइलेटरल मतलब दो कैसे भी लगाइए इसको एक ही तरीके से काम करेगा। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए ये लागू नहीं होगा। सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे कि डायोड, ठीक है, डायोड यूनिलैटरल डिवाइस है, उसमें सुपरपोजिशन थ्योरम को हम इम्प्लीमेंट उस सर्किट में नहीं कर सकते हैं जिसमें डायोड लगा हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। सुपरपोजिशन थ्योरम आगे देखते हैं इसके सवाल।